हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंट्राडे एक्सपर्ट में, जहां हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेली एनालाइज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम है। निफ्टी ने एक स्मॉल बेयरिश कैंडल फ्रेम किया है और आज आप देख सकते हैं निफ्टी का रेंज कितना स्मॉल रेंज है। मतलब निफ्टी आज कम्प्लीट साइडवेज था, कोई मोमेंटम नहीं था। आपको कैंडल के बॉडी से मालूम होगा स्मॉल बॉडी है। और ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी ने भी एक स्मॉल बेयरिश कैंडल फ्रेम किया है। अगर बैंक निफ्टी का रेंज देखेंगे तो ये तो निफ्टी से भी छोटा है। मतलब एक स्मॉल रेंज में बैंक निफ्टी ने आज पूरा दिन भर ट्रेड किया। पूरा एक ही जोन पे आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ट्रेड किया। मार्केट में आज कोई मोमेंटम नहीं था, मार्केट फुल साइडवे था। कल एक्सपायरी है तो कल एक बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन है। इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस रीजन से मैं बोल रहा हूँ कि कल मार्केट में एक बिग मोमेंटम आने के चांसेस है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुए तो ऐड हो जाइए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इसमें हम लोग लाइव मार्केट में फ्री ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। निकालते हैं निफ्टी के लेवल्स इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखिए आज मार्केट कंप्लीट एक रेंज बाउंड रह गया। मार्केट में कोई भी साइड मोमेंटम नहीं हुआ, ना लोअर साइड ना अपर साइड। मार्केट जिगजैग करके पूरा दिन भर अपने आप को सस्टेन किया और कॉल पुट दोनों को प्रीमियम को डिक्लेयर किया। बात करते हैं कल एक्सपायरी है तो कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट बात करते हैं सेलिंग की। निफ्टी को अपने सेल करेंगे 17,110 के नीचे सेल करेंगे। 17,110 के नीचे सेल करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट 17,065, सेकंड टारगेट 17,023 एंड फाइनल टारगेट 16,966। ये जो ब्रेकआउट था, ठीक है, तो तीन लेवल डाउनसाइड के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी को बाय कहाँ करेंगे। निफ्टी को अपने बाय करेंगे 17,170 के ऊपर फॉर द फर्स्ट टारगेट 17,210। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो निफ्टी में एक अपर साइड का मोमेंटम स्पाइक देखने को मिलेगा फॉर टारगेट। यहाँ से बिग टारगेट आएगा अपना 17,324, काफ़ी बिग टारगेट है। सेकेंड टारगेट यहाँ से काफ़ी बिग है। अगर 210 के ऊपर सस्टेन कर जाए इतना बड़ा टारगेट अपने को मिल सकता है। कल एक्सपायरी भी है, कल बड़ा मोमेंटम आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए मार्केट आज दिन भर साइडवे था। मार्केट ने मल्टीपल टाइम फॉल सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या सपोर्ट ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, मार्केट घूम के ऊपर आ गया। तो मार्केट क्या हुआ, दिन भर फिर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, फिर लोगों ने शॉर्ट किया, फिर मार्केट घूम के ऊपर आ गया। तो कल भी क्या हो रहा है, कल भी मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया, लोगों ने शॉर्ट किया, घूम के मार्केट ऊपर आ गया। मार्केट मल्टीपल टाइम फॉल सिग्नल दे रहा है, ये एक बिग मोमेंटम का एक साइन होता है। जब मार्केट फॉल सिग्नल दे, लोगों का बहुत स्टॉप लॉस हिट करा दे, तो नेक्स्ट डे मार्केट एक बिग मोमेंटम कर सकता है। आज क्या हुआ, सब रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेला। सबको क्या कर रहा, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, लॉस करवा रहा है, मल्टीपल टाइम एंट्री दिलवा रहा, मल्टीपल टाइम एसएल हिट करवा रहा, ताकि कल जब बड़ा मोमेंटम हो तो कल कोई भी ट्रेड को कैच ना कर पाए। अब निकालते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ, पूरा जिग जैग होकर पूरा दिन एक छोटा सा रेंज में ही, इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने आज पूरा डे स्पेंड कर दिया। तो कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, निकालते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। उससे पहले चेक करते हैं आज हम लोगों ने क्या किया। देखिए हम लोगों ने मॉर्निंग में लिया था 40,222 में। जब बैंक निफ्टी ये हाई को ब्रेक करा था, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ से देखिए मार्केट अपना ऊपर भी गया, हम लोग का प्रॉफिट हुआ था। हम लोगों ने बाय किया 222 में, 242, 244, 252, 261 तक गया था, 40 पॉइंट्स मिला था। बट कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए, जब बैंक निफ्टी यहाँ तक आ गया था, अगर ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ से एक अपर साइड का अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। इस रेंज से हम लोगों ने होल्ड किया, हम लोगों ने जल्दी बुक नहीं किया अपना ट्रेड को, क्योंकि अगर पूरा मोमेंटम कैच नहीं करेंगे तो फिर ट्रेड करेंगे तो अपना ठीक से रेंज से डिसअवर्ड नहीं बैठ पाएगा। इस रेंज से हम लोगों ने अपना ट्रेड को होल्ड किया, बट यहाँ से फिर मार्केट का ऑफर फुल साइड हो गया, हमारा प्रीमियम डीके हुआ। तो पूरा दिन ऐसे ही हो गया, हम लोग एक ही ट्रेड में रहे, हम लोग को कोई भी टाइम हम लोग का लॉस नहीं होता। और फाइनली इस कैंडल में, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल में ये जो बड़ा रेड कैंडल बना, इस कैंडल में हम लोगों ने लॉस बुक किया और हम लोग को करीब करीब 40-50 पॉइंट्स का लॉस मिला। तो अगर आप भी जेन्युइन ट्रेड पा जाते हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इसमें हम लोग एवरी डे फ्री ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओनली थर्सडे हम लोग इस ग्रुप में ट्रेड नहीं देते हैं, हमारे अलग एक्सपायरी स्पेशल ग्रुप है जिसका चार्जेस 499 रुपीज़ है ओनली फॉर थर्सडे। उस ग्रुप में हम लोग सिर्फ थर्सडे कॉल देते हैं,
जो भी ट्रेड बनता है सब हम लोग एक्सपायरी स्पेशल ग्रुप में लेते हैं। बाकी एवरीडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम लोग इसी फ्री टेलीग्राम मेंबर्स को हम लोग सारा ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। इस ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं सबको फ्री ट्रेड मिलता है एक्सेप्ट थर्सडे। अब निकालते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। फर्स्ट बताते हैं सेलिंग की। बैंक निफ्टी को सेल करेंगे अपने 39,840 के नीचे और द फर्स्ट टारगेट 39,640। यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट है एंड सेकंड टारगेट यहाँ से काफी अच्छा है, यहाँ से 39,390। एंड अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाए कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल जिस साइड मोमेंटम आएगा तो बहुत लंबा मोमेंटम हो सकता है, बिग मोमेंटम हो सकता है। अगर इस ये लेवल ब्रेक हो जाए देन बैंक निफ्टी इस लेवल तक आ सकता है, ये जोन तक का काफी बिग टारगेट यहाँ से 38,990। ओके तो तीन लेवल डाउन साइड के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को बाय कहाँ करेंगे। बैंक निफ्टी को अपने बाय करेंगे आज के हाई के ऊपर 40,085 के ऊपर बाय करेंगे। फॉर द फर्स्ट टारगेट निकालते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम से। फर्स्ट टारगेट यहाँ से काफी अच्छा टारगेट है, काफी बिग टारगेट है यहाँ से 40,350 एंड सेकेंड टारगेट 40,700। तो दो लेवल अपर साइड के लिए। वीडियो को रिपीट करके सारा लेवल देख लीजिए। बाकी कल एक्सपायरी है तो अपना ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा। हो सके तो कल का डेट में काम मत कीजिए, कल वीकली एक्सपायरी है 23 मार्च, तो कल का काम नहीं करके आप इसका आप इसमें क्या करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक वीक एक्सटेंड कर लीजिए ताकि मार्केट में थीटा का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल ऐड हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।